देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। इसी के तहत हाईडील तिराहे पर अपर पुलिस अधीक्षक ने सीओ सदर और एसएचओ के साथ गाड़ियों की चेकिंग की और साथ ही साथ उनको सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने की हिदायत दी, जिससे दुर्घटना होने पर उनकी सुरक्षा बनी रहे। वहीं चार पहिया वाहनों के सघन चेकिंग की गई, जिसमें गाड़ियों के कागजात सहित आने जाने वालों से पूछताछ की गई। आए दिन हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह की चेकिंग गश्त के दौरान हमेशा ही की जाती रही है, जिसमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की जाती है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके और जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे। हम लोग के यहाँ शाम का गश्त का एक कार्यक्रम चलता है, रोज पुलिस द्वारा गश्त की जाती है, उनसे लोगों से बातचीत भी की जाती है और इसी के निमित्त यहाँ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज जिले में ऑप्शन एक्सरसाइज का चल रहा है, उसके निमित्त भी कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इस संदर्भ में भी धरपकड़ चेकिंग जारी है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश नहीं आई, फिर भी एहतियातन हम लोग कुछ चेकिंग करा रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देख रही है क्राइम स्टोरी।